Thank you, Raman, for such a wonderful and generous introduction of mine. सभी से सभी को सादर जय जिनेंद्र नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल. जैसा कि आज हम यहाँ इस वेबिनार में एक जर्नी को लेके उपस्थित हुए हैं या इसको हम पेश कर रहे हैं, इससे पहले मैं हमारे चेयरमैन जीटो गुड़गांव चैप्टर श्री रमन जी का हार्दिक धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हम जैसे सब लोगों को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, प्लस रमन जी की सारी टीम जो डे नाइट लगी हुई है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिसाइड्स दिस न्यू एपिसोड. मेरा तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. इसी के साथ उपस्थित जो भी यहाँ आज इस वेबिनार को देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन सबको सादर जय जिनेंद्र एक बार फिर. फ्रेंड्स, मैं इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी स्टोरी आप सबसे शेयर करूंगा. स्टोरी इस प्रकार है, एक 28-30 साल का युवक, जैसा कि अक्सर देखा है कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो काफ़ी भावुक होते हैं अपनी जर्नी को लेके, तो वो बहुत परेशान था. उसे समझ नहीं आ रही थी कि लाइफ में लक का क्या रोल है एंड उसका मेहनत का क्या रोल है. तो भटकता हुआ वो किसी बहुत लर्नेड गुरुजी के पास पहुंचा. उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ अपनी लाइफ को लेके, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे हार्डवर्क से रिज़ल्ट मिलेगा या मुझे लक से रिज़ल्ट मिलेगा. तो गुरुजी ने बड़े अच्छे उदाहरण से उससे एक क्वेश्चन पूछा. ही आस्क्ड हिम कि हैव यू एवर ऑपरेटेड बैंक. ही सेड यस. अच्छा, तो आपने कभी लॉकर भी ऑपरेट किया होगा. ही सेड यस, आई बीन टू बैंक सो मेनी टाइम्स विद माय वाइफ एंड वी हैव ऑपरेटेड लॉकर आल्सो. गुरुजी ने एक क्वेश्चन पूछा उससे कि आप ये बताएं कि क्या बैंक मैनेजर आपके लॉकर को बिना आपकी चाबी लगाए खोल सकते हैं. कहते हैं आई थिंक नो. क्या आप उस लॉकर को बिना बैंक मैनेजर की चाबी लगाए खोल सकते हैं. ही सेड नॉट पॉसिबल. सो दैट मीन्स टू ऑपरेट दैट लॉकर यू बोथ हैज टू पुट योर कीज देयर. कहते बिल्कुल सर्टेनली, दोनों कीज लगेंगी तो लॉकर खुलेगा. तो उन्होंने कहा कि यही आपकी जो आपका क्वेश्चन है उसका एग्जाम्पल है. बैंक की चाबी या बैंक मैनेजर की चाबी एक किस्मत की चाबी है और आपकी चाबी हार्डवर्क, ये दोनों हैंड ऑन हैंड चलते हैं. अगर इन दोनों का मिलन है तो आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ, आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता. सब्जेक्ट टू लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हर किसी के पास आती हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें या उसको अवॉइड करें. तो होता नॉर्मली क्या है कि अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम ये कहते हैं कि अच्छा फिर देखेंगे, और वो फिर कभी अपॉर्चुनिटीज सेम अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा चल के आपके पास नहीं आती. मैं ये स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये सारा श्रेय हम अपने हार्डवर्क के करके अपने ऊपर लें या अपने परिवार के ऊपर लें. ये एक मिश्रण था जो हमारे हार्डवर्क और साथ में प्रभु की कृपा और अपॉर्चुनिटीज़, इन सब को मिला के ये हमारा ये जर्नी हमारी यहाँ तक पहुँची. अब दोस्तों, शॉर्ट में मैंने आपको ये अपनी जर्नी के बारे में एक स्टोरी में आपको ये बताया कि क्या रोल है. इसी के साथ बिफोर स्टार्टिंग ऑफ आवर जर्नी माई कंपनीज जर्नी, मैं सिंपली अपने जर्नी से ये थोड़ा सा दो मिनट और मैं अपने बारे में ज़रूर लूँगा. आई डिड माई स्कूलिंग, स्कूलिंग मीन्स फ्रॉम 6th till 11th आई डिड फ्रॉम जयपुर, वो स्कूल जिस स्कूल का एसोसिएशन जनसंघ के साथ था वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की. मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जो संस्कार मुझे उस स्कूल में मिले
या उस स्कूल से मिले, वो मैं आज तक भी अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, मैं लेके उसे भूल नहीं सकता। उसके बाद नेचुरली हर बच्चा अपना भविष्य के बारे में सोचता है, तो मैंने भी सोचा कि मेरे हिसाब से, क्योंकि आई वॉज़ वेरी गुड इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो मुझे लगा कि आई थिंक मुझे भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि डॉक्टरी लाइन ये सबसे अच्छी मेरे लिए रहेगी, एंड आई डिसाइडेड टू बिकेम अ डॉक्टर। इसी को देखते हुए राजस्थान का बेस्ट कॉलेज महाराजास कॉलेज, जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया इन प्री मेडिकल कॉलेज, प्री मेडिकल में, सो दैट इज़ अ डिग्री कॉलेज, बट प्री मेडिकल आपको पहले करके देन ओनली यू कैन गो टू मेडिकल कॉलेज। तो आई टुक एडमिशन देयर, बट शायद डेस्टिनी कुछ और थी, बिकॉज ऑफ यू नो सर्टन इश्यूज रिलेटेड टू रैगिंग, आई केम बैक टू गुड़गांव। माय पेरेंट्स वर शॉक्ड टू सी मी, क्या हुआ, तुम कैसे आ गए, तुम तो वहाँ एडमिशन ले चुके हो, बट शायद भगवान को यही मंजूर था मैं यहाँ वापस आया। मैंने उनको बताया कि ये सारा हुआ मेरे साथ और मैं नहीं वहाँ पे पढ़ना चाहता, तो डैड ने कहा ठीक है फिर आप यहाँ कॉलेज में एडमिशन लें। तो मैंने यहाँ डिग्री कॉलेज गुड़गांव में, विच इज़ गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव के नाम से है, वहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। इस एडमिशन के बाद घर के हालात मैं जो देख रहा था उन दिनों, वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, क्योंकि उन्हीं दिनों हमारे फादर साहब अपने ब्रदर से सेपरेट हुए थे, और सेपरेशन में वो वहाँ से आए और उन्होंने एक नया सेटअप शुरू करना था। बहुत पेनफुल सिचुएशन थी, मैं रोज़ वो चीज़ें देखा करता था अपने घर में, तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होती थी। तो वन डे आई आस्क माय डैड, मैंने कहा इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई जॉइन यू, मेरे पास दोपहर के बाद टाइम होता है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, अगर आप कहो तो मैं आपको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये लगभग 73 एंड की बात है, 73 मिड और एंड की बात है। तो ही सेड ओके, इफ़ यू आर ओके कम्फर्टेबल तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने अपने डैड को ज्वाइन किया। डैड ने काम शुरू किया था 1973 में ही मेरे बड़े ब्रदर वी के जैन साहब के साथ। वी के जैन साहब वॉज वेरी गुड इन पीआर, मैं कई बार उनको एडमायर किया करता था कि इतना अच्छा ये कॉन्टैक्ट कैसे लोगों से बना लेते हैं, हमारे में ये क्वालिटी नहीं है, बट दिस वॉज वॉट इट वॉज, ये उनकी क्वालिटी थी। इसी दौरान हमारे ब्रदर, बड़े ब्रदर वी के जैन साहब, उनका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनके मल्टीपल फ्रैक्चर हुए और बहुत ज़्यादा चोटें भी आई, मेरे ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा आ गई। फिर ब्रदर ने ऑपरेशन वगैरह कराया, ये सारी एक्टिविटीज़ में उनको 4-6 महीने लग गए। हम लोगों ने अपना काम शुरू किया था बट हमें कुछ ज़्यादा रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे थे। उसी के साथ में हमारे फादर साहब को एक अपॉर्चुनिटी मिली गाज़ियाबाद में, हमारे एक कस्टमर दिल्ली थे, उनकी फैक्ट्री गाज़ियाबाद थी, तो ही हैज़ गिवन वन अपॉर्चुनिटी कि जैन साहब अगर आप चाहो तो हम रबर यूनिट गाज़ियाबाद में एक लगा लेते हैं जिसमें हम सब इक्विपमेंट्स लगाएंगे, बिकॉज द प्लांट विच वॉज सेटल्ड बाई फादर साहब एंड मेरे ब्रदर ने जो लगाया था, इट वॉज़ टू स्मॉल, उसमें 7 लोग टोटल काम करते थे। तो डैड ने मेरे से बात की, बिकॉज आई वॉज टिल दैट टाइम आई ज्वाइंड हिम, एंड ब्रदर की प्रॉब्लम्स के करके उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, क्या मैं ज्वाइन कर लूँ। तो मुझे उन्हें कहना था कि हाँ श्योर आप कर लो, एंड आई एम कैपेबल, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। मेरे लिए ये जर्नी बिल्कुल नई थी, रबर दूर दूर तक मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि मेरी सोच, मेरा ध्यान मेडिकल की तरफ था। टिल दैट टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं, घर के हालात देखते हुए मुझे वो सब अपने जहन से निकालना पड़ेगा और मुझे यहाँ दिल लगा के काम करना है। अब जिस एरिया में आप जा रहे हैं उस एरिए का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उस एरिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मुझे लगा कि अब मेरे को यहाँ पे फादर को ज्वाइन करना है, तो
आई स्टार्टेड सर्चिंग कि कोई डिप्लोमा कोर्स वगैरह कुछ ऐसा हो जिसमें रबर को मैं अंडरस्टैंड कर सकूं, क्योंकि जिस काम को आप करना चाहते हैं आप जब तक उसके अंदर नहीं घुसेंगे उस काम को आप सक्सेसफुली नहीं हैंडल कर सकते। तो आई टुक दिस डिसीजन एंड आई गॉट वन रेफरेंस फ्रॉम वन ऑफ माई नोन पर्सन कि दिल्ली में मानक भवन ISI हाउस में एक इवनिंग क्लासेस चलती हैं डिप्लोमा की, तो आप अगर चाहो तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। इट वॉज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैं वहाँ गया, जाके एडमिशन ली, दैट इज़ द LPRI लंदन बेस्ड प्लास्टिक एंड रबर इंस्टीट्यूट। ये लंदन बेस्ड मीन्स एफिलिएटेड था ये लंदन से, मैंने उसमें उसको ज्वाइन किया। अब यहाँ से हमारी जर्नी मैं शेयर करूँगा आपसे। जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया फादर साहब को तो हमारे पास 7 लोग काम करते थे, आज ऊपर वाले की कृपा से और हर किसी की मेहनत से आज हम 7,000 लोगों और परिवारों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। एक प्लांट जिसे हम प्लांट नहीं कह सकते, इट वॉज जस्ट अ कॉटेज इंडस्ट्री जो एक दो कमरों में बनी हुई थी, आज हमारे पास 17 फैसिलिटीज़ हैं जिनको हम गर्व से कह सकते हैं कि यस वो फैक्ट्रीज हैं या फैसिलिटीज हैं। हमने जर्नी 1973 में जब स्टार्ट की तो पहला साल हमारा बहुत टफ रहा, टोटल टर्नओवर वाज 70,000 पूरे साल की, जो कि आज की डेट में 1200 करोड़ से ज़्यादा है पूरे ग्रुप की। बट जो था वही था, खूब मेहनत की, कई कस्टमर्स मैंने भी अटेंड किए, जयपुर भी गया, जयपुर मार्केट को स्टडी किया। अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट हम मार्केट के लिए बना रहे थे मुझे फादर साहब से कहना पड़ा कि लेट्स स्टॉप मेकिंग दीज पार्ट्स, बिकॉज वहाँ पे वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट नहीं थी जो हमारे माइंडसेट में थी। हमने उस लाइन को भी ड्रॉप किया वहाँ पे और आगे चले। 74 में जब ब्रदर के साथ ये प्रॉब्लम हुई तो ये शॉक था, लेकिन कहते हैं कि अगर झटके ना लगें तो इंसान निखरता नहीं है, और किसी भी डायमंड को जब तक घिसा ना जाए या कभी सोने को जब तक आग में तबाया ना जाए तो निखरता नहीं, ना सोना निखरता है और ना डायमंड की चमक आती है। मेरे दिमाग में भी ये था कि कोई नहीं, शायद भगवान परीक्षा ले रहे, कोई इशू नहीं है, और मैं पूरी कोशिश में लगा रहा, काम करते रहे दिल से। किसी तरह ये दिमाग में मन में ये ग्रीवेंसेस नहीं आई कि नहीं ये क्या है, वाई इट इज़ विद मी। आगे मूव किए, 75 में जब फादर साहब वहाँ चले गए गाज़ियाबाद तो कुछ प्रेशर मेरे ऊपर और आ गया। मार्केट उस टाइम पे दिल्ली मार्केट थी जहाँ पे हम मेनली काम किया करते थे, 60-70% बिजनेस वी वर डूइंग फॉर भारत सेल्स कॉरपोरेशन, जहाँ बाद में मेरे संबंध जुड़े और मेरी शादी भी वहाँ हुई। 30% हम लोग मार्केट में इधर उधर बाकी लोगों का काम किया करते थे। स्लोली ब्रदर के जब वो ठीक हुए थोड़ा तो उसके बाद उनकी मेहनत से हमें रेलवे में अप्रूवल्स मिली, उनके काम आने शुरू हुए। उसके साथ साथ में डिफेंस में हमें अप्रूवल्स मिली, डिफेंस के टेंडर्स आने शुरू हुए, और इस तरह हमारी जर्नी आगे चलती गई। इसी दौरान कई ऐसे चैलेंजेस आए जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, बिकॉज वहाँ से आप लोग कुछ शायद मेरी जर्नी से कुछ ले पाएं। दोस्तों, डिफेंस के जब टेंडर्स हमारे पास आए तो उसमें एक टेंडर था जिसमें 8 फीट बाई 10 फीट, नॉर्मली एक किचन साइज होता है घरों में 8 फुट बाई 10 फुट, या एक बाथरूम का साइज होता है उतने बड़े साइज का गैस्केट का एक टेंडर था। मैं रात भर सोचता रहा कि इसको कैसे हमने करना है, बट सुबह उठा मैं, जब मैंने फादर साहब को बोला कि इसकी हम कोटेशन देंगे, ही वॉज़ नॉट वेरी कम्फर्टेबल, बिकॉज वो सैटरडे को आया करते थे हमारे पास। तो जब वो आए मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, तो ही वॉज़ नॉट वेरी कम्फर्टेबल
कि ये बहुत बड़ा है, हम नहीं बना पाएंगे। तब मैंने उन्हें आइडिया दिया कि अगर इस तरह से हम करेंगे तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम ये बना लेंगे। ही सेड बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ दिस प्लांट नाउ ऑपरेशन वाइज, तो आप देख लो, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आई डोंट माइंड, मैं आपके साथ हूँ, बट बी केयरफुल। आई सेड डोंट वरी, आप साथ हो, आपका आशीर्वाद है, ये हम सक्सेसफुल होंगे। और मैं मतलब मुझे खुशी होती है बताते हुए कि हमने वो बहुत कन्वेंशनल मेथड के साथ, मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास, लेकिन वो जो पंचर लगाने वाले प्रेसेस होती हैं उनका 12-15 प्रेसेस को कंबाइन करके और उस गैस्केट को हमने बड़ा सक्सेसफुली बनाया। उस टाइम पे उसकी एक गैस्केट की कीमत लगभग 2295 रुपये थी। हमने सैंपल्स बनाए, डिफेंस में सबमिट किए, फर्स्ट गो में सैंपल अप्रूव हुए, एंड वो एक मैं ये सोचता हूँ कि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि कुछ ना होते हुए, सब कुछ होते हुए तो हर कोई कुछ भी कर लेता है, बट कुछ ना होते हुए किसी चीज़ को अचीव कर पाना जो जिसके लिए लोग सोचते भी नहीं हैं, मुझे मतलब गर्व होता है ये कहते हुए कि ये फादर साहब की सपोर्ट के करके मैं वो कर पाया। जिंदगी आगे चली, हम लोग 80s में पहुँचे। 80s में पहले किराए की जो जगह ली थी वो जगह भी छोटी थी एंड वी वर नॉट वेरी कंफर्टेबल। फॉर्चुनेटली हमें मेन रोड पे एक शेड मिल गया जिसका एरिया कंपैरेटिवली इससे थोड़ा ज़्यादा था, रेंट थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन हम उस टाइम पे उस पोजीशन पर आ गए थे कि हम उसको अफोर्ड कर सकें। हम लोग वहाँ पे शिफ्ट किया हमने सामने वाले शेड में, और शिफ्ट करके शायद कुछ जगह का प्रताप होता है, मेरा भी ऐसा मानना है, और वहाँ रहने वाले हर बंदे ने इस चीज़ के लिए सपोर्ट भी किया कि जिस जगह हम पहले थे वो कहने लगे, यहाँ पे जितने भी लोग आज तक आए हैं हमने कभी किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा, आप लोग सरवाइव कर रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा आगे आप भी नहीं बढ़े। द मोमेंट वी शिफ्टेड फ्रॉम दैट प्लेस टू अनदर प्लेस, हमने सी चेंज देखा। बहुत सारे हमें डिफेंस के ऑर्डर्स भी मिलने लगे, मार्केट कंडीशन भी बेटर हुई, हमारी अपनी पोजीशन भी काफ़ी बेटर होने लगी। ये वो टाइम था जब मेरे लिए रिश्ते का भी प्रपोजल उनसे आया जिनका हम 70% काम किया करते थे। आई वॉज नॉट हैप्पी, मुझे लगा कि मैं इनके पास काम कर रहा हूँ, कल मैं इनका दामाद बन जाऊँगा। आज मैं जिस हौसले के साथ, जिस मुकाबले के साथ इनके साथ मैं काम कर सकता हूँ, कल शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। द डे फिर एनीवेज उन्होंने कहा कि मैं हम मिलना चाह रहे हैं आपकी फैमिली के साथ, तो वो आए गुड़गांव आए, आके उन्होंने बातचीत की। सो ठीक, जो भी था मैंने उसको एक्सेप्ट किया, एंड उसी के साथ में मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से जल्दी निकलूँगा। आई डोंट वॉन्ट टू वर्क एनी मोर फॉर दिस शॉप, बिकॉज अगर मैं उस शॉप के बारे में सोचता रहता, क्योंकि मेरी वाइफ अपनी फैमिली में इकलौती वारिस थी, अगर मैं उस शॉप के बारे में सोचता रहता तो शायद आज हम इस मुकाम तक ना पहुंच पाते जहां हम पहुंचे। मैंने कसम ली कि जितनी जल्दी से जल्दी होगा मैं यहां से निकलूंगा और अपना कुछ और नया बिजनेस शुरू करेंगे। भगवान हमारे साथ था, भाई साहब ने मेहनत की, उन्हें पता चला कि हीरो होंडा के साथ मिलके एक मोटरसाइकिल का प्लांट गुड़गांव में लगाने जा रहे हैं, उन्होंने उनको टैप करना शुरू किया 1983 में। रेगुलर टैपिंग के बाद ये यूनिट्स ऐसे नहीं होते या ये ग्रुप्स ऐसे नहीं होते जो इतनी जल्दी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे दें, तो भाई साहब ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कोशिश की, बट ही वॉज नॉट एबल टू गेट सक्सेस। इसी दौरान उनका ब्रेन ऑपरेशन होना था, जो सेकंड ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन उनका लगभग 77 में हुआ, बट वो भी एक्सीडेंट के बाद, सेकंड एक्सीडेंट के बाद, और उस ऑपरेशन का साइड इफ़ेक्ट ये रहा कि उनकी आईज हमेशा रेड ब्लड रहती थी, ऐसे लगता था आंखों में से खून निकल रहा है। डॉक्टर्स के हमेशा वो टच में रहते थे। अल्टीमेटली ऑल इंडिया में उन्हें ये कहा गया कि 83 में उन्हें टाइम दिया, ऑलमोस्ट एंड ऑफ 83, कि आपका एक ऑपरेशन और होगा। ब्रेन ऑपरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम पे,
83 में उनका जब सेकंड ऑपरेशन हुआ तो भाई साहब मुझे कहने लगे कि मेरे को तो वहाँ टाइम लगेगा, 15 दिन, 1 महीना, कितना लगेगा आई डोंट नो, तो आपको टैपिंग बंद नहीं करनी, आपको कॉन्टिन्यूसली टैप करते रहना है हीरो को, हीरो होंडा को, अदरवाइज अगर आपने छोड़ दिया तो उसके बाद ये नहीं होगा। एंड आई एक्सेप्टेड दैट चैलेंज। मैंने 3-4 चक्कर लगाए, हर बार यही होता था कि अच्छा आप कल आना, कल आना। अल्टीमेटली थर्ड फोर्थ राउंड पे जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मिस्टर गोयल हुआ करते थे, आरपी गोयल, आज भी मुझे अच्छे से याद है, एंड उन्हें भी मेरी ये स्टोरी सारी याद है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ, तो इसे ढाँ बताओ। मैंने कहा आपको पता है भाई साहब हॉस्पिटल में फैमिली बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है और मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काम का भी और अदरवाइज भी, तो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि अभी वी आर नॉट कैपेबल टू सर्व यू, तो कोई बात नहीं, आप मेरे को बता दो, मैं सोचूंगा, शायद हमारे और आपके स्टार्स मैच नहीं कर रहे, या फिर तब तक भाई साहब आएंगे तो वो फिर दोबारा ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता। मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी जाना होता है, फैक्ट्री भी जाना होता है, कस्टमर्स को भी देखना होता है और परचेजिंग वगैरह सारा, ये सारे काम करने होते हैं, तो मेरे को टाइम इतना नहीं मिल रहा कि मैं रोज़ आपके पास आ पाऊँ। तो इसे अच्छा एक बार तो और आ जाएगा। मैंने कहा हाँ जी, मैं एक बार नहीं, आप मेरे को जितनी बार कहेंगे मैं आ जाऊँगा। एंड नेक्स्ट डे जब मैं गया तो उन्होंने मुझे एक ड्राइंग पकड़ाई, क्योंकि मैंने मुझे सीखने का शौक था और मैं अंदर घुसा तो मैं ड्राइंग को बहुत जल्दी से अंडरस्टैंड करने लग गया था, चाहे वो किसी भी तरह की और कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग क्यों ना हो। तो जब उन्होंने मुझे ड्राइंग दी, मैंने सामने उसे 2-3 मिनट ड्राइंग को देखा, तो उनका क्वेश्चन था क्या रहा, तुम बना सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल बन जाएगा जी। कितने दिन में सैंपल दे सकते हो? मैंने कहा आप बताएं कितने दिन में चाहिए। 3 दिन में दे दोगे? मैंने कहा बिल्कुल दे देंगे। मैं उसी ड्राइंग को लेके वापस आया और ले सीधा टूल रूम में गया। टूल रूम अपना नहीं था, बाहर से काम कराते थे। एक टूल रूम में गया जो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा समझदार बंदा है और ये जल्दी काम भी कर देगा। उनको मैंने कहा ये आज ही काम शुरू करना है, वो कहते यार अभी तो तुम लेके आए हो। मैंने कहा कहीं से मर्जी मैनेज करो मेटल का, मुझे आज ही इसको शुरू कराने हैं। मुझे याद है आज भी वो दिन, रात को लगभग 2-2.5 बजे तक मैं उनके पास उनके टूल रूम में बैठ के उस टूल को करवाता रहा। उसके बाद मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आप भी आराम करो, मैं भी थोड़ी देर जाता हूँ और मैं सुबह 9 बजे आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। एंड नेक्स्ट डे 9 बजे मैं उनके पास दोबारा पहुँचा। मैं उन 1-2 दिनों में ब्रदर को मैं अवॉइड मैंने किया, मैं नहीं जा पाया, लेकिन मुझे पता था कि अभी ऑपरेशन में 1-2 दिन हैं। जैसे तैसे नेक्स्ट डे मैं 9 बजे उनके पास पहुंचा और मैंने रात तक उस टूल को तैयार करवाया। टूल को तैयार करवा के सीधा फैक्ट्री लेके आया, मटेरियल मैं पहले ही उसका बना चुका था, उसके मैंने सैंपल्स रात को बनवाए और नेक्स्ट डे मैं हीरो होंडा वसंत कुंज, जिनका ऑफिस होता था, मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने उनके टेबल पे सैंपल्स रखे अलॉन्ग विद रिपोर्ट एंड एवरीथिंग, तो ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी दो सैंपल्स। तो कहने लगे आपने पहले से ही बना के रखे हुए थे क्या, या आपके पास डाई थी इसकी? मैंने कहा सर आपने ड्राइंग मेरे को परसों दी है, तो परसों से मैं लगा हुआ था कि मुझे आपके लिए करना है कुछ, तो मैं तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द काइंड ऑफ जील विच वॉज देयर इन मी। तो उन्होंने इमिजिएटली उसको प्रोडक्ट को रखा और उन्होंने कहा ये मैं भेज दूंगा वहाँ पे चेक करने के लिए, और आप कल आओ, आपको मैं कुछ और ड्राइंग्स देता हूँ। एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट देयर, उसने मेरे को बंडल ऑफ ड्राइंग्स पकड़ाई। उस बंडल ऑफ ड्राइंग्स का रिजल्ट सिर्फ वो ये रहा कि सर्विसेज, कमिटमेंट, जो कमिट किया था उससे पहले उनको हमने वो सर्व किया, जिसके करके कि उन्होंने वो नंबर ऑफ ड्राइंग्स मेरे हाथ में पकड़ाई और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं सिंपली ये कहूँगा कि वो दिन था शायद एक टर्निंग पॉइंट। उसके बाद आस्ता आस्ता मारुति ऑलमोस्ट 84 में हमारे साथ जुड़ी। एंड अब अगर उस जर्नी को लेके हम चलेंगे, जर्नी को अब जरा प्लीज, तो अगर उसको हम देखें तो वो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल जर्नी रही।
उसके बाद श्री राम होंडा ने हमें टैप किया। श्री राम होंडा के बाद हमारे को यमहा ने टैप किया, एंड ऐसे कर कर के, एंड आई एम नॉट बूस्टिंग, और ये मेरा अगर ये कहना शायद ठीक नहीं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से लोगों ने हमें खुद अप्रोच किया। हमारे जितने कस्टमर्स थे उन्होंने हमें अप्रोच किया, और वो अप्रोच करते गए और हम उनके साथ जुड़ते गए। लेकिन हमने ये पूरा ध्यान रखा अपनी लाइफ में कि हम इतनी अच्छी सर्विसेज उनको दें, नॉट ओनली कॉस्ट, कॉस्ट, क्वालिटी, डिलीवरी, डेवलपमेंट एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट अप्रोच, इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए इन सब कस्टमर्स को के साथ हम जुड़ते गए। वी ऑल्सो टुक ISO सर्टिफिकेशन इन द ईयर 1995। आई थिंक वी वर अमंग फर्स्ट रबर इंडस्ट्री इन नॉर्दर्न रीजन हु टुक ISO इन 1995। इसके बाद हमारी जर्नी, फिर होंडा कार्स हमारे साथ जुड़ी, और ये इस तरह से अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो फिर हमारे साथ कस्टमर जुड़ते गए। फिर हमने अप्रोच करना शुरू किया कि किस तरह से हम अपना बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं। तो जब हमने अप्रोच की और बहुत सारे कस्टमर्स, क्योंकि हमारे रेगुलर रूटीन कस्टमर्स को देखते हुए बहुत सारे कस्टमर्स हमारे साथ अपने आप आते गए जिनको भी अप्रोच किया उन्होंने। एंड बेस्ट पार्ट हेयर आई वुड लाइक टू टेल इज कि जिनके साथ हमने 80s में काम किया था, आज भी वो हमारे उतने ही अच्छे कस्टमर्स हैं जितने 80s में। एंड इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ आवर कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी, एंड ये सारे उसी के रिजल्ट थे जिसके करके ये हुआ। सो आई विल नाउ शेयर द जर्नी ऑफ रूप ग्रुप एज ग्रुप। 99 रबर तो हम लोग कर ही रहे थे, काफ़ी दिन से इसमें हम लोग लगे हुए थे। तो 19 ब्रदर हमारे जो हैं वो रबर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते थे। उनको लगता था कि रबर तो इज़ लिटिल डर्टी बिजनेस, तो इसमें कुछ और करें, उनका विजन था, बहुत बड़ा सोचते थे। 1990 में उन्होंने ये कहा कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंजीनियरिंग यूनिट की, और उस अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं सोना स्टेयरिंग। तो डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी हुआ करते थे, उनके कांटेक्ट में कैसे आए आई डोंट नो मच, बट जब इन्होंने ये बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बात हुई है एंड दे आर रेडी टू गिव अस दिस वेंडर अप्रूवल फॉर इंजीनियरिंग यूनिट, तो आपस की डिस्कशन के बाद वी रीच टू अ कंक्लूजन कि ठीक है, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वी शुड नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, एंड उसको हमने ग्रैब किया। 1990 में हमने ये समझे आपके रूप रबर जो फर्स्ट यूनिट था वहाँ से हमारा सेकंड ये प्लांट आया, रूप ऑटोमोटिव्स लिमिटेड। इसके बाद 1990 के बाद जर्नी हमारी स्टार्ट आगे हुई, एंड फिर हमें ये लगा कि अब हमें रबर में एक फैसिलिटी इज़ नॉट एनफ फॉर अस, वी हैव टू हैव मोर फैसिलिटीज़। तो हमने 1996 में दोबारा डिस्कशन किया कि एक यूनिट और लगाया जाए, लेकिन गुड़गांव में उस टाइम तक रेट्स काफ़ी बढ़ गए थे बिकॉज मारुति भी आ गई थी, हीरो होंडा भी आ गया था, DLF भी काफ़ी एक्टिव एंड एग्रेसिव हो गए थे। तो हम लोग फिर मेवात की तरफ, सोना रोजकम एव इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ गए, वहाँ जाके हमने ये वाला यूनिट रूप ऑटो भी हमने वहीं लगाया, एंड रूप पॉलीमर जो हमारा सेकंड यूनिट था उसके लिए भी हमने सोना में ही लैंड परचेज की। वी बॉट लैंड देयर, वी पुट अप प्लांट, और दैट प्लांट वाज फॉर एक्सट्रूजन एज वेल एज फॉर मोल्डिंग। इसी तरह फिर आगे जर्नी हमारी कॉन्टिन्यू रही। In 2000, we put another facility in Gurgaon. Then in 2006, we added one facility in Manesar. Then in 2007, at Pantnagar. Then
8, 9, सो इस तरह ये चलते गए। और आज वो जर्नी को मैं बहुत ज़्यादा लंबा ना लेके जाते हुए, क्योंकि उसके बाद फिर पूना आया, पूना के बाद चेन्नई आया, चेन्नई के बाद अगेन वी केम बैक टू सोहना, बिकॉज़ यहाँ पे हमें लग रहा था कि हमारे पास कैपेसिटीज शॉर्ट पड़ रही हैं, तो वी पुट अनदर फैसिलिटी एट सोहना विच वॉज यूनिट 4 ऑफ रूप पॉलीमर्स। अदरवाइज जब तक हमने सोहना प्लांट लगाया तब तक ओवरऑल हमारे पास 14 प्लांट लग चुके थे, जिसमें से 7 प्लांट रूप पॉलीमर्स के थे, 4 फैसिलिटीज रूप ऑटो की आ चुकी थी, 1 रूप रबर की थी। इस तरह से मिला के हमारे पास 12 या 13 प्लांट्स टोटल हो चुके थे। यहाँ से जर्नी हमारी रुकी नहीं, इसके बाद हमने भी बॉट लैंड एट अहमदाबाद टू पुट अप रूप पॉलीमर फैसिलिटी नंबर 8, जो अभी बोर्ड पर है। अभी उसको हमने, बिकॉज उसके बाद कुछ ऐसे चेंजेस आए, डीमोनेटाइजेशन आ गया, फिर GST आ गया, तो GST वगैरह आने के बाद हमें लगा कि नाउ देर इज़ नो एनी टैक्स लोड, सो बेटर वी शुड होल्ड दिस प्रोजेक्ट फॉर कपल ईयर्स। वो लैंड लेके उसे कवर करके हमने अपने उसमें लगा दिया। सो नाउ आई विल डिस्कस व्हाट हेल्प मी टू रीच हेयर, सो माई सक्सेस ट्रेल, पॉजिटिविटी एंड पैशन। फ्रेंड्स, पॉजिटिविटी एंड पैशन, पैशन अगर आप में नहीं है, इफ यू डोंट हैव पैशन, इफ यू आर नॉट पॉजिटिव, आई डोंट थिंक यू कैन ग्रो एट ऑल। Over the past years of my journey, I have learned so many lessons. Every lesson molded me into person that I am today. Every passing day, I strive to be better than the day before. Trust is the one major lesson. Learned trust not only in myself, but in others too. And also that life has a journey for each and every one of us. My journey has been full of so many blessings and so much love from all nearers and dearers around. From 7 employees to 7,000 employees, from 1 plant to 17 plants, from turnover of 70,000 to more than 1,200 crores, from no major customer to majority of OEMs, it has been a very enriching journey with highs, lows and learnings, which I have already explained to you. So just a nutshell, this is because of positivity and passion only. If we talk about risk-taking ability, so I have shared one episode with you all about gasket which I have developed for defense. So it was all because of that reason. We took risk. We succeeded in that. So entering at a young age of 19 years, when we all can understand 19 years is nothing. Normally at this age, many tend to enjoy the college life. Positive approach has always been the key driver for me. Realizing that to succeed in this business, I joined London affiliated PRI Plastic and Rubber Institute. And I learned a lot from that institute. Honestly, whenever I visited that institute in the evening, I spent each and every minute seriously to understand what they are teaching, what they were teaching. इसी के साथ मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि I got opportunity to see so many big facilities around, जैसे Goodyear India, that time was very very good, big rubber industry. So I visited that, then I visited lot of couple of cable industries. They are making cable, they are also using rubber and PVC plastic. Then I visited one plant in Bareilly, plastic, that is synthetic and chemicals,
which is really that time it was very very big facility, but because of some or other reasons now it is no more. So I'll definitely share one quote. Great work is to love what you do. The only way to do great work is to love what you do. Do not settle until you haven't found. So I'll repeat this. The only way to do great work is to love what you do. Do not settle until you haven't found. So, taking risk, I have already shared with you, and it is very, very important for everybody's life. मैं simply ये कहूँगा कि life अपने आप में एक risk है. ये हमारे ऊपर है कि how we are taking this forward. हम काम करके risk लें या बिना काम किए otherwise risk लें. Life itself is a risk. In last couple days, I have seen so many, you know, autobiographies. So I have seen autobiography of great guy. I'll tell him great guy. That is Mehta. Harshad Mehta. I'm sorry, I skipped his name. Harshad Mehta. And I'll advise everyone, please. See this episode. It is really a mind-boggling. You will learn a lot. Don't gather which is not for us, but collect all that which is for us. उसमें एक बहुत अच्छा उन्होंने quote, he was quoting everywhere, Harshad Mehta was quoting everywhere. Risk है तो इश्क है. अगर आप life में risk नहीं ले सकते तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वेदर वो इश्क है या वो आपका बिजनेस है. इश्क आपका किसी के साथ भी हो सकता है. इट्स नॉट कि इश्क सिर्फ आपका आपकी वाइफ के साथ या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ या आपके इस तरह होगा. इश्क आपका आपके काम के साथ भी जो है वो भी इश्क ही है. तो अगर रिस्क है तो इश्क है. आई रियली एडमायर दैट गाय एंड दिस कोट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज right from day one I was taking risk every day and every time. Iske baad hamari journey aage chali, patience and commitment. Friends, I'll just share one story here. As I told you all ki we got opportunity to get OEM business. जब OEM business we also got very critical parts from Hero Honda. Those were engine parts and we were not aware whether those parts are going to use in engine or where, because that time customers normally don't share all those things. They have handed over those drawings to me. I developed those parts as per drawing and supplied to them. They checked those parts thoroughly, put them in engine also probably, I don't know, and gave us approval, and besides approval they also gave us order for 20,000 each, 4-5 parts. Day night we worked and we supplied those parts to them. One fine day I got one call from a very senior person of quality head, quality guy, who was heading quality, Mr. Sambia. He also remembered this story thoroughly and fully. He called me. कहाँ पर है? मैंने कहा सर फैक्ट्री में. कितनी देर में पहुँच सकता है? He was South Indian. I said probably 40-50 minutes from Gurgaon to Dharuheda, because that time Hero Honda was having one facility at Dharuheda. Immediately yahan pahuncho. So I rushed to Hero because Hero was our major customer till that time. And I reached there. When I met him, he started shouting on me. And more than 20-25-30 minutes he was shouting continuously.
मुझे लगा कि आई एम श्योर देर वॉज सम बिग हैपनिंग हैपन्ड, कोई ज़्यादा बड़ी पेन है इनको जिसके करके ये इतना ज़्यादा गुस्से में है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा विदाउट रिएक्टिंग। जब वो थोड़ा कूल डाउन हुए देन आई आस्क, मैंने कहा सर कैन आई से समथिंग, हाँ बोलो। मैंने कहा सर यू हैव गिवन मी ड्राइंग्स, यस, हैव यू एवर शेयर्ड कि आप ये पार्ट कहाँ लगाने जा रहे हैं, आपने कभी पूछा या बताया? कहते नहीं वो ड्राइंग दिया था। मैंने कहा आपने ड्राइंग दिया था, मैंने पार्ट ड्राइंग के हिसाब से बनाया और आपको सबमिट कर दिया। आई कैन गारंटी कि जो पार्ट्स मैंने आपको सबमिट किए हैं, जो मटेरियल उस ड्राइंग्स में लिखा हुआ है, आप पूरे दुनिया के किसी लैब से चेक करा लें, अगर उसमें ज़रा सा भी वेरिएशन आएगा तो आई विल बियर ऑल दीज लॉसेस, बिकॉज मोटरसाइकिल्स उस टाइम पे रोड पर खड़ी हो गई थी। जितना उन्होंने प्रोडक्ट बनाया उस मटेरियल से वो सारा का सारा रोड्स पर आ गया था या उनके वर्कशॉप में होल्ड कर दिया गया था या डीलर्स पे होल्ड कर दिया गया था। इट वॉज रियली अ बिग पेन फॉर देम, बट वी वर वेरी मच करेक्ट ऑन आवर पार्ट बिकॉज वी सप्लाइड देम एज पर देयर ड्राइंग। देन फिर क्या होना चाहिए था? आई सेड ये मटेरियल गलत है, तो ये जैपनीज ड्राइंग है। मैंने कहा सर आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, कई बार मटेरियल चेंज हो जाता है और ड्राइंग में वो चेंज एंटर नहीं होता, तो ये गलत है, तो क्या होना चाहिए? आई सेड इसमें ये मटेरियल लगेगा, वाइट ऑन रबर या फ्लोरोकार्बन बोलते हैं उसको। आर यू श्योर? मैंने कहा आई एम 100% श्योर। कितने दिन में सैंपल देंगे? अब इस रीजन में कोई फ्लोरो का काम नहीं करते थे। देन आई सेड 3 दिन लगेंगे। ठीक है, 3 दिन के बाद आप सैंपल लेके आओ, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। आई सेड ओके फाइन। सेम इवनिंग आई टुक फ्लाइट एंड वेंट टू मुंबई। मैंने वहाँ पे फ़ोन कर दिया अपने एक हमारे सप्लायर थे बहुत अच्छे अजीज सप्लायर कि मुझे ये मटीरियल चाहिए बाय हुक और बाय क्रूक, कल सुबह तक मुझे ये मटीरियल आप अरेंज करा के दें एंड मेरे को ये मटीरियल लेके वापस फ्लाई बैक करना है। मेरे अच्छे तब तक कॉन्टैक्ट्स उनके साथ हो गए थे और मैंने कोशिश शुरू से की, चाहे वो हमारे बायर्स थे या सप्लायर्स, सबके साथ बड़े अच्छे फैमिली टर्म्स रखे और बहुत अच्छे पोलाइट टर्म्स रहे। मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि किसी ने भी आज तक कभी ये कहा हो किसी भी स्टेज पर कि यार योर बिहेवियर इज़ नॉट गुड, वेदर वो मेरा एम्प्लॉई है, मेरा चाहे वो कस्टमर है या मेरा वो सप्लायर है। एनीवेज मैं सेकेंड डे जब मैं रात को वहाँ पहुँचा, वो मेरे को एयरपोर्ट लेने आए हुए थे, देन वेंट टू अ लॉन्च, रात को वहाँ रहे, सुबह मैंने 9 बजे वो फिर मेरे पास वापस आ गए एंड वी वेंट टू अ प्लेस जहाँ से मटीरियल लेना था, वो मटीरियल लिया, लेके फ्लाई बैक किया गुड़गांव। इमीजिएटली सीधा फैक्ट्री जाके सैंपल्स बनाए, सैंपल्स बना के देन इट टुक नॉर्मली 24 आवर्स टू पोस्ट क्योर दोज पार्ट्स, पोस्ट क्योरिंग की अंडर सर्टन टेम्परेचर एंड देन सैंपल सबमिट किए। फ्रॉम दैट डे टिल टुडे, वेदर इट इज हीरो और होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर्स, दे आर यूजिंग सेम मटीरियल फॉर देयर ऑल इंजन्स। आई कैन नॉट कमेंट वाई रॉन्ग मटीरियल वॉज मैंशनड ऑन देयर ड्राइंग्स, इट वॉज नॉट माई कॉल टू लुक इन टू दैट। तो हेयर आई डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से दैट पेशेंस, देर आर यू नो समटाइम्स इफ सपोज एनीबडी इज शाउटिंग ऑन यू, इफ यू जस्ट लिसन हिम और हर पेशेंटली, आई एम श्योर यू विल फाइंड सोल्यूशंस। और उसका सोल्यूशन ये रहा कि उन्होंने इमीजिएटली उस सारे मटीरियल को स्क्रैप किया जितना भी उनके पास पड़ा था, एट देयर कॉस्ट नॉट एट आवर कॉस्ट। एंड लेकिन ये सब करने से पहले उन्होंने 10-15 दिन ट्रायल किए उन सैंपल्स को एंड उसके बाद उन्होंने एक्सेप्टेंस दी एंड फ्रॉम दैट डे टिल टुडे दे आर यूजिंग द सेम मटीरियल एंड दे आर कंज्यूमिंग। तो आई डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गिव वन कोट हेयर कि लाइफ इज टफ सो आर यू। I ask this question to myself. Of course, life tough है, but क्या are you ready to face that? क्या आप भी उतने tough हैं उसको face करने के लिए? So this was another story. उसके बाद अगर हम बात करें
ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. सो इसमें आई विल ओनली से कि इन बिजनेस और इन सोशल वेयर एवर यू आर यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी लॉयल टू योर कंपनी, टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स और वेयर एवर यू और एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवर यू आर सर्विंग. सो दैट इज अगेन आई से कि इट वॉज इंकल्केटेड इन अस फ्रॉम आवर फादर्स एंड आर एल्डर्स. एंड यहाँ पे आई विल जस्ट से वन मोर कोट, वॉट एवर वी कमिट, वेयर एवर वी कमिट, वी शुड डिलीवर. डोंट गिव फॉल्स कमिटमेंट एट ऑल. इफ यू आर कमिटिंग, फिर चाहे पूरी कायनात आपके अगेंस्ट हो, आपको उसको पूरा करना है, आपको उसको हर हालत में डिलीवर करना है. सो इसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. आप ग्रो कर जाएंगे. आप कभी भी देखिए, एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स है लाइफ का. और हम लोगों, हमारे आर्किटेक्ट्स ने भी और गवर्नमेंट नॉर्म्स भी ये कहते हैं कि 13 स्टेयर्स के बाद एक प्लेटफॉर्म आना चाहिए. व्हाई दैट प्लेटफॉर्म इज रिक्वायर्ड? बिकॉज व्हेन यू जंप 13 स्टेयर्स एंड यू रीच टू अ लेवल, आप थक जाते हैं, यू नीड सम रेस्ट. अदरवाइज आप कॉन्टिन्यूसली स्टेयर्स चढ़ते जाएंगे तो कई बार ये होता है कि आप बैक की तरफ वापस गिर भी सकते हैं. तो आफ्टर एवरी 13 स्टेप्स यू नीड अ प्लेटफॉर्म टू स्टे फॉर कपल सेकेंड्स और मिनट्स, टेक सम रेस्ट, टेक ब्रीथ, डीप ब्रीथ. सो दिस इज माई सेइंग टू यू ऑल दैट कंसिस्टेंसी is very very important in our life. यहाँ पे एक मैं हिंदी कोट आप लोगों को सुनाना चाहूंगा. निगाहों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे. निगाहों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे. हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे. तो दोस्तों, ये एक हमारी छोटी सी जर्नी थी जिसमें कि पूरा परिवार हमारे साथ था. बहुत कुछ इसमें मिस हो गया. वो इसलिए कि लाइफ में जब आप लाइफ हिस्ट्री को या जर्नी को, जो आपकी 46-47 इयर्स की है, उसको आप जस्ट 10-20 मिनट्स या 30 मिनट्स में कवर करना चाहें तो यू मिस लॉट मैनी थिंग्स. मैं यहाँ ये ज़रूर एंड में कहना चाहूँगा कि ये जर्नी मेरी अकेले की नहीं, मेरे परिवार की थी. मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया, मुझ में कॉन्फिडेंस दिखाया, एंड तभी हम ये जर्नी को इस मुकाम तक पहुँचा सके. 83 में मेरे छोटे ब्रदर मिस्टर हितेश जैन, जो अब GMD हैं हमारी कंपनी में, उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया. उनके ज्वाइन करने से मुझे लगा कि मेरे में अब डबल एनर्जी आ गई है, बिकॉज ही वॉज अंडरस्टैंडिंग मी इन अ बेटर वे. वो मुझे फॉलो करते थे और उन्हें लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, और उन्होंने सेम पाथ पे चल के, उसी रास्ते पे चल के आगे मेरे को सपोर्ट किया. उससे हमारी स्पीड में बहुत तेज़ी आई. हमारे भाई साहब की जो अपनी क्वालिटीज़ थी, उनका कोई मैच नहीं था, बट बिकॉज ऑफ हिज ओन प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स दो हुए जिसके करके वो उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन जब रूप ऑटो लगाया, वो उनका पैशन भी था और उनका टेस्ट भी था रबर से हटके. आज रूप ऑटो की को अगर हम देखें तो वो एक अलग बुलंदियों पर है. आज रूप ऑटो में ऑलमोस्ट 75% दे आर एक्सपोर्टिंग टू ऑल द स्टेयरिंग मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड आई कैन से दे आर द लार्जेस्ट स्टेयरिंग योक्स मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया में भी उनका एक अपना मुकाम है. तो हमारी इसी के साथ में मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं, तो इसमें आज हमारे पास 17 प्लांट्स हैं
और उन 17 प्लांट्स में से 7 प्लांट्स हमारी फ्लैगशिप कंपनी विच इज रूप पॉलीमर है. उसके बाद 6 प्लांट्स रूप ऑटोमोटिव्स के हैं, दे आर ऑलमोस्ट ऑल्सो इक्वली, थोड़ा थोड़ा सा पीछे हैं बट ज़्यादा नहीं. इसी के साथ में हमारे 4 जॉइंट वेंचर्स हैं, वन विद इज़राइल, सेकंड विद जर्मनी क्वेब, एंड थर्ड विद दैट इज अ टेक्निकल वेंचर विद मेजी जापानीज, एंड फोर्थ विद अ कंपनी टेक्नो विद टर्किश, इट इज़ अ टर्किश कंपनी. इन इन सब में हमारा 50% का सहयोग हमारा और 50% का उनका है. लेटली वी डिसाइडेड कि हमें अब रबर ऑटो के साथ साथ में अपने अपने आप को थोड़ा डाइवर्सीफाई करना पड़ेगा, तो हमने अपने आप को डाइवर्सीफाई किया टुवर्ड्स वाइट गुड इंडस्ट्रीज, और अब नाउ वी हैव पुट अप वेरी रिसेंटली वन फैसिलिटी इन गोवा फॉर वन ऑफ वेरी बिग वाइट गुड गुड्स मैन्युफैक्चरर. सो दिस इज व्हाट इट इज. सो ब्रांड नेम ऑफ कोर्स इज नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड, पीपल नो रूप इन आवर इंडस्ट्री. इन आवर इंडस्ट्री मीन्स वेदर इट इज ऑटो इंडस्ट्री और वेदर इट इज ऑफ रोड इंडस्ट्री और कमर्शियल व्हीकल प्रोड्यूसर्स, दे अंडरस्टैंड रूप, दे नो रूप. नाउ आवर विजन इज दैट इन 2025 आवर टर्न ओवर शुड बी डबल्ड. लोग इस फेज को, जो हमारा कोविड फेज है, इसको लोगों ने बड़ा नेगेटिव लिया, लेकिन हम हमेशा एक ही बात कहते थे कि टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, चीज़ें ठीक होंगी. और ये जर्क्स लाइफ में बहुत ज़रूरी भी हैं, अदरवाइज अगर आप क्रूज पे लगा के गाड़ी को 70 की स्पीड पे छोड़ दें और कोई स्पीड ब्रेकर रास्ते में ना आए, तो देर इज़ फुल अपॉर्चुनिटी कि आप कहीं ना कहीं क्रैश करेंगे किसी ना किसी के साथ और एक्सीडेंट होगा. तो ये लाइफ के हमारे जर्क्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं. दुनिया बहुत ज़्यादा ऊपर चलने लग गई थी और शायद हर किसी को ये लग रहा था कि हमारे आगे कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने, परमात्मा ने, खुदा ने एक ही छोटी सी वायरस से सारी दुनिया को हिला के रख दिया. तो हमें ये याद रखना है कि हमें ईमानदारी से अगर हम अपना काम करें और टॉर्चर ना करें उसके बनाई हुई दुनिया को, आज हम नेचर को कितना टॉर्चर कर रहे हैं, अगर हम इसको टॉर्चर ना करें, डिसेंट वे में इसको हम लेके चलें, तो बहुत कुछ हमें मिल सकता है एंड हम बड़ी जल्दी ही वापस अपनी नॉर्मल उसमें आएंगे. एडिशन ऑफ न्यू जेवीज में हम लोग वी आर हंटिंग फॉर न्यू एंड न्यू जेवीज, वेदर रिलेटेड टू अवर प्रोडक्ट और लिटल ऑफ द साइड. Diversification mein already I have shared that now we have diversified from, you know, auto parts to non-auto parts, white wood industry, commercial and all other. Now our next agenda is to, you know, tap international market. International market means we are already exporting, but it is our dream that we should have plants in other part of world also, so which we, I am quite confident that our young generation who is with us, they will definitely take care of this and fulfill our dream. We are fortunate that we have 4 young directors with us in our organization, and all the 4 directors are doing such a great work in their respected area that we now started feeling कि यार अब हमें ज़िंदगी में काफ़ी relaxation मिला है, काफ़ी ease मिला है. So with this I think मेरे पास है तो बहुत कुछ अभी कहने के लिए. I have couple stories also, I don't know because time का मुझे ध्यान नहीं कि कितने कितना हो गया है. Sorry, oh my god. So we will definitely chali. Once again, thank you very much for patient listening. And wherever you feel I spoke a little extra, so please excuse me. क्योंकि कई बार आप जब flow में आ जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपको कितनी देर में किया close करना है.
Thank you once again. Thank you very much. God bless you all. And God bless our Jito community who has given this platform to all of us. Thank you.